Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hey friends, welcome to Technical Talks. फ्रेंड्स, अगर आपके वोडाफोन के सिम में सिम लॉक या फिर बोले तो पीयू के लॉक लग गया है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप कैसे अपना पीयू के लॉक या फिर सिम लॉक जो है वो अनलॉक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना मोबाइल लिया, उसमें आपको दिखाएगा पीयू के लॉक या फिर सिम लॉक डालना है। अगर आपके पास सिम लॉक नहीं है तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि आप दो बार से ज़्यादा पीयू के लॉक जो है एंटर मत कीजिएगा। अगर आपको नहीं पता कि पीयू के लॉक क्या है तो आप मैक्सिमम दो बार ही ट्राई कीजिएगा पीयू के लॉक। अगर वो गलत बताता है तो तीसरी बार आप उसमें पीयू के लॉक जो है मत डालिएगा, क्योंकि अगर आप गलत पीयू के डालेंगे तो वो सिम लॉक पूरी तरह से लॉक हो जाएगा और उसे अनलॉक करने के लिए आपको वोडाफोन केयर में जाना होगा और वहाँ पर पैसे दे के आपको दूसरा सिम कार्ड खरीदना होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपने नंबर यानी कि 198 यानी कि 198 डायल करना है और उसमें कॉल लगाना है। आप जैसे ही कॉल लगाएंगे वहां से फ़ोन जो है पिकअप करेंगे, उसके बाद आपको वहां पर बताना कि आपका पीयू के लॉक जो है लग गया है और आपको पीयू के लॉक नहीं मालूम, तो वो आपको आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स वगैरह पूछेंगे, जैसे कि आपका पूरा नाम पूछेंगे, किस नाम पर सिम कार्ड है वो पूछेंगे, आपको आपका बर्थ डेट पूछेंगे। तो आपको ये दो सवाल जो है अपना नाम और बर्थ डेट सही बताना है तो वो आपको वहाँ से सिम लॉक या बोलिए पीयू के लॉक जो है दे देंगे। उसके बाद आपको वो लॉक जो है उस आपके मोबाइल में एंटर करना है। उसके बाद आपको पूछेगा कि नया पीयू के कोड जो है एंटर कीजिए और उसमें आप कोई भी चार अंकों का पीयू के लॉक डाल सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 या फिर 8 9 1 0 या फिर आपको जो भी आसानी से याद रहे वही पीयू के आप वहां पर डालिएगा। उसके बाद आपको दूसरी बार वो नंबर डालने के लिए पूछेगा और आपको दूसरी बार वहां पर वो कन्फर्म करना होगा, दूसरी बार वो नंबर डालना होगा। जैसे ही आप वो पीयू के वहाँ पर दूसरी बार डालोगे उसके बाद ओके देते ही आपका फ़ोन जो है वो अनलॉक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और मैंने ऐसे कई सारे वीडियो बनाए भी है, मैं उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस पर देख सकेंगे। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।